नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, तेजस्वी यादव इस बार विदेश के दौरे पर है, जिसे लेकर सियासत काफी गर्म है। एक और जहां लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो वहीं सवाल ये उठने लगे हैं कि इस हालात में लोगों को ऐसे छोड़कर आखिर नेता प्रतिपक्ष कहाँ चले गए हैं। कई जगहों पर नेता प्रतिपक्ष के गायब होने को लेकर सवाल भी उठ चुके हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का आवास भी खाली करवा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल नया सरकार बनने के साथ ही सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव वाला आवास आवंटित किया गया है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव के आवास को खाली कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। इस आवास को भवन निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। अब मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजयदशमी को गृह प्रवेश करेंगे। बता दें कि बिहार में इस साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद विभाग की ओर से इस आवास को सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। सम्राट चौधरी के इस घर में प्रवेश करने से पहले हाउस गार्ड और अन्य कर्मियों ने इसे अपने कब्जे में लिया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हाउस गार्ड वहां से अब हट चुके हैं। बता दें 25 सितंबर से ही तेजस्वी की ओर से इस आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।